राम राम। मैं पंडित इसके मिस्त्री। किसी स्त्री किसी युवती को गर्ल को अपने बस में करना चाहते हैं तो यह अपने आप में बहुत ही असरदारी प्रयोग है। इस प्रयोग में एक लौंग की और एक काली मिर्च की आवश्यकता है। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। किसी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ, कानून के खिलाफ कदापि कोई दुरुपयोग ना करें। इसके माध्यम से अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। यदि आप लोग का रिश्ता चल रहा है, अचानक से टूटना शुरू हो गया, आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाने लगा है और दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी एक दूसरे से दूरी बना चुके हैं और आप चाहते हैं कि उनसे रिश्ता खत्म ना हो, वह पुनः आपके प्रति पहले जैसा या पहले से भी अत्यधिक आकर्षण उसके अंदर आ जाए आपके प्रति, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कभी कभी कुछ माताओं, कुछ बहनों का, कुछ भाइयों का प्रश्न होता है कि हमने प्रयोग किया सफलता नहीं मिल रही है, या हम कोई टोटका प्रयोग करते सफलता नहीं मिलती है। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो एक बात का ध्यान देना है आपको कि यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो सफलता तुरंत मिलती है, एनर्जी बैलेंस नहीं है तो सफलता तुरंत नहीं मिलती है। अतः सब कुछ डिपेंड करता है आपके वशीकरण पावर पर, आपकी एनर्जी पर। वशीकरण पावर का प्रभाव होगा तो प्रयोग में सफलता मिलेगी। वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो आप हमारे माध्यम से अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रयोग दे रहा हूं वो अपने आप में असरदारी प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश ना हो, किसी गुरु की तलाश करें तभी आप प्रयोग करें। और यदि आपको फिर भी गुरु नहीं मिलते हैं तो ही परेशान ना होइए। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और ये रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, अपनी समस्या के समाधान के लिए आप फोन कॉल पर मुझसे आप कॉल करते हैं तो फोन आपका रिसीव होता है और नहीं भी होता है। फोन कॉल ज्यादा होने की वजह से मोबाइल साइलेंट होता है और सारे कॉल का जवाब नहीं दिया जा सकता है। अतः आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना फोटो और जो भी समस्या हो साफ साफ लिखें। मैं व्हाट्सएप जरूर चेक करता हूँ। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है मगर धैर्य के साथ प्रतीक्षा करिए, फोन कॉल से कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। अतः व्हाट्सएप का ही प्रयोग करें। प्रयोग कैसे करना है, एक लौंग और एक काली मिर्च आपको शुक्रवार के दिन लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल पर, आपके जो मोबाइल है ना उसमें उसका फोटो होगा, उसके फोटो के ऊपर मोबाइल पे जो मोबाइल के अंदर फोटो है उसके ऊपर लौंग और काली मिर्च को रख दें, या उसका फोटो आपके पास ऐसा हो तो भी उस फोटो के ऊपर लौंग और काली मिर्च को रख दें। उसके बाद जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मंत्र है ओम योनि, उसके बाद उसका नाम जिसको आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम लेना है आपको, फिर लिखना है स्वाहा। मंत्र है ओम योनि, उसका नाम ले स्वाहा,
ओम योनि उसका नाम लेते हुए स्वाहा, यह 11 बार आपको जप करना है। उसके बाद लौंग और काले मिर्च को अपने जेब में रखना है। ऐसा करने के बाद चमत्कारिक रूप से वह आपके वशीकरण पाठ में, सम्मोहन पाठ में, आकर्षण पाठ में बंध जाएगी। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो, अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।